हिंसा वही होती है जब किसी की जमीन छीन लेते हैं, किसी की पहचान, किसी की जमीन, किसी की ताकत का आधार जब हम ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसको हम निर्बल बना देते हैं और उसका उसको भयभीत भी कर देते हैं कई बार। तो इसलिए वो है ना, पाप का भागी नहीं है केवल व्याघ, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये भी एक हिंसा का उदाहरण है, जब अन्याय हो रहा हो और आप निरपेक्ष भाव से बैठे हुए हैं चुपचाप कि भाई मैं तो वाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, तो वो भी हिंसा है ना। आप जो कमजोर है उसके खिलाफ हिंसा को होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ अन्याय को होने दे रहे हैं और आप अपने किनारे पे बैठे हैं जी, जी तो वो भी हिंसा है। तो इसलिए कई रूप है हिंसा के।